हेलो चिल्ड्रेन हाउ आर यू ऑल टुडे यू आर मीटिंग विद योर ग्रामर टीचर पूजा सहानी और हम स्टार्ट कर रहे हैं आप ही की ग्रामर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट फ्रॉम अमित पब्लिकेशन हाउस अ न्यू चैप्टर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ग्रामर सेंटेंसेस ओके सो यू आर इन ग्रेड एट राइट तो अभी तक बच्चों आप Sentences के बारे में पढ़ते आए होंगे वॉट इज सेंटेंस सो नाउ आई एम गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटेंस लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड called इज sentence कुछ शब्द जो एक लाइन एक कंप्लीट मीनिंगफुल लाइन बनाते हैं वो क्या हम उन्हें क्या कहते हैं सेंटेंस ओके जैसे आई the first फर्स्ट he ही वेरी रूडली do not waste time these are some example of sentence okay so in this chapter sentence kinds of sentences subject and predicate transformation of sentences so kinds of sentences i think now you are all aware what is sentence that means a group of words that makes a complete sense is called sentence Now I am going to tell you about kinds of sentences. Kinds means कुछ बातें हम सीधी सीधी कह देते हैं okay? Simple sentences में कुछ हम negative में कहते हैं जैसे कि हमें किसी को कुछ मना करना है कुछ हम questions पूछते हैं कहीं हम request करते हैं order देते हैं okay? So these are the different different sentences. and we are going to learn it so there are five kinds of sentences assertive sentences

एक्सक्लाट्री सेंटें जहां पर हम रियक्शन देते हैं हम डेक्लटिव सेंटेंसेज भी कहते हैं बिकॉज इट डिक्लेयर समथिंग ओके सो दीज आर कॉल्ड असर्टिव और डेक्लटिव सेंटेंस Like India is the biggest democracy in the world. This is the simple sentence. Okay, it is declaring that India is the biggest democracy in the world. So all the assertive and declarative sentences ends with a full stop and always start with the capital letter. Okay, so remember this thing. Interrogative sentence, a sentence that asks the question. Okay, but An interrogative sentence ends with a question mark. जब भी हम कोई interrogative sentence को लिखते हैं हम उसे end करते हैं question mark के साथ Okay? Now imperative sentence. Like I told you that a sentence that gives a command or an order makes a request or gives advice. जब आप किसी को advice देते हो कोई request करते हो तो वो कहलाते हैं आपके imperative sentences. इन इम्पेरेटिव सेंटेंस यू इज यू अंडरस्ट ओके ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम जाएंगे डोर so दरवाजा बंद कर दो सो वॉट यू आर डूंग कमांड डोंट एंटर दिस रूम यू आर गिविंग अ कमांड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वॉटर यू आर मेकिंग रिक्वेस्ट

तो एक्सप्लामेशन मार्क हमेशा उनके फॉरन बाद लगता है सो एन एक्सप्लामेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंडेशन मार्क सो नाउ दिस इज द एक्सरसाइज रीड द फॉलोइंग एंड द टाइप ऑफ सेंटेंस आई एम गोइंग टू टेक द इवन वन ओके और वन यू विल डू इन योर होमवर्क सो नाउ प्लीज शट द फॉलो विंडोज एंड डोर्स ये कौन सा सेंटेंस है yes this is the imperative sentence you are making request this is such a beautiful place now you can see the exclamatory marks but this is not a wish or prayer so it is not an optative sentence this is exclamatory sentence may i come in okay so this is also may i come in this is optative sentence the earth revolves around the sun this is declarative sentence assertive sentence ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स हम इसमें एडवाइस दे रहे हैं दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस नाउ वेयर आर यू गोइंग इन टीज क्लीन योर कब टूडे इंपेरेटिव सेंटेंस ओके यू आर मेकिंग रिक्वेस्ट नेवर टेल लाइज दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस नाउ इसमें सब्जेक्ट क्या होगा यू ओके ऑलवेज इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज यू

द सब्जेक्ट इज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जिसकी हेल्प से व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट लाइक एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट द सब्जेक्ट टेल्स us who or what the sentences about किस सेंटेंस किसके बारे में है ओके okay? वो किसी चीज के बारे में भी हो सकता है वो किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है इट इज इधर अर अल्सोर ये मुझे आपको बताना था लाइक इंपेरिटिव सेंटेंस में हम कहते हैं प्लीज शट द डोर कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपको समझना है कि सब्जेक्ट है यू यू प्लीज शट द डोर Me a glass of water. इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है आप किस को कह रहे हो आपको नहीं पता चल रहा सो यूरस्टूड लाइक यू गिवीस नाउीकेट दी से बारे में एक सेंटेंस में क्या लिख रहे हैं दट इज कॉल्ड प्रेडिकेट इट ऑलवेज है verb. हमेशा इसमें वर्ब आती है इट मे कंसिस्ट

कि हमेशा उसमें वर्ब आता है एंड क्रैश इज द वर्ब राइट नाउ द एक्सरसाइज फॉर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बोरोड नेवर फिट वेल अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा किसकी बात हो रही है बोरोड गार्मेंट्स ओके सो बोरोड गार्मेंट इज सब्जेक्ट ओके and never fits well is the predicate this is predicate and this one subject right a barking dog seldom bites a barking dog is the subject and seldom bites is the predicate right you are uh, you must have noticed bites fit verbs are coming in the predicate side now deep in the wave is a coral groove So, किसकी बात हो रही है डीप इन सब्जेक्ट इज कोरल ग्रूफ इज हु कमांडेड हु कमांडेड विल बी हु कमांडेड विल बी प्रेडिकेट हाउ वेरी ग्रेटफुल वी ऑट टू बी फॉर दिस फ्रेंडली शेल्टर सो अब इसमें आपको बताना है वॉट इज सब्जेक्ट how very grateful we ought to be for this friendly shelter. how very grateful we ought to be for this friendly shelter. Kis ki baat hai? how very grateful we ought to be for this friendly shelter. Kis ki baat hai? this friendly shelter. so this will be the subject and this one will be the predicate. okay. i hope that you have understood. so in this uh, exercise, You have to identify subject and predicate, and then you will mark what is which part is going in the subject and which part is going to be the predicate. Now, I am telling you transformation of sentences. Now we have learned that it is possible to change the form of a sentence. हम किसी डेक्लेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव भी बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, इंटर्वेजेटिव भी बना सकते हैं। विदाउट एंटायरली चेंजिंग द मीनिंग हमें उसके लिए मीनिंग चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है लुक एट दीज पेयर ऑफ सेंटेंसेज दन्वे द सेम मीनिंग हाउ स्वीट द सॉन्ग इज ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और बिना इसका मीनिंग चेंज करे हुए हमने इसे असर्टिव बना दिया द सॉन्ग इज वेरी स्वीट आर्ंट एलिफेंट वेरी इंटेलिजेंट इंटरोगेटिव एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट इंटेरोगेटिव को हमने चेंज कर दिया इन टू असर उसने काम किया और अब हम इसे नेगेटिव में बनाना है तो हम क्या कि वो फेल नहीं हुआ काम को करने में सो मीनिंग शुड बी सेम सो वी कैन ट्रांसफॉर्म देंटें विदाउट चेंजिंग द मीनिंग

अब बताओ ही रिजेक्टेड ऑल आर प्रपोजल इसे नेगेटिव में बदलना है लेकिन अगर हम इसमें ये लगाएंगे ही डिड नॉट रिजेक्ट ऑल आर प्रपोजल तो बिल्कुल मीनिंग मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा जाएगा चेंज सिंपल सेंटेंस में मीनिंग है कि उसने हमारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए सो तो अब इसमें इसी का चेंज करे हुए बिना मीनिंग अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा क्या बनाएंगे ही डिड नॉट सेलेक्ट ऑल आर प्रपोजल्स उसने हमारे सभी प्रपोजल सेलेक्ट नहीं किए, ओके ओके नाउ टू थिंक वी शुड मीट अगेन, सो इसमें एक्सप्लामेशन सेंटेंस है सेंटेंस है। अब हमें इसे बदलना है असर्टिव में। टू थिंक वी शुड मीट अगेन, आई थिंक वी शुड मीट अगेन। दिस इज द असर्टिव सेंटेंस नॉर्मल ओके वाई वरी अबाउट सच स्मॉल इश्यूज क्या yeah, क्यों चिंता करनी है छोटे छोटे इश्यूज की वाई वरी अबाउट सच स्मॉल इशू नाउ वी हैव टू चेंज इन असर्टिव सो इसमें क्या आएगा कौन बताएगा मुझे वाई वरी अबाउट सच स्मॉल इशू मी कोई बता सकता है वाई वरी अबाउट सच स्मॉल इशू सच स्मॉल इशू डू नॉट नीड टू वरी मच या

सो so, हम इसको नेगेटिव में कैसे बदलेंगे एज ही ही द द पुलिस मैन डिड नॉट स्टॉप सो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज क्लियर टू यू बट यू हैव टू टेक केयर दैट द मीनिंग शुड नॉट बी चेंज व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंसेस सो नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर सेंटेंसेस इज फिनिश्ड ओके